गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, कीचू नोज़ ब्लीड्स के साथ उठा है और तबीयत इसकी ख़राब है। फिर से हमारा ड्रायर आ चुका है, अभी अभी डिलीवर हुआ जस्ट, तो भी अनबॉक्स कर लेते हैं। बताओ, इतनी मुश्किल से दिसंबर में छुट्टियां आती हैं और वो बस हेल्थ रिकवर करने में ही निकल जाती है सारी। ये दिव्या को भी बता रही थी, उनकी जो नर्सरी की जो टीचर्स होती हैं स्कूल की, कि हमारी दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, उसके बाद क्योंकि सब बच्चे कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है दिसंबर में, तो उससे उसके बाद हमारी छुट्टियां भी जब आती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और वो पूरी छुट्टियां रिकवरी में निकल जाती है। सिमिलरली अब कीचू फिर से बीमार हो गया, आज इसकी वैक्सीनेशन थी। अब जब बच्चा बीमार होता है तो वो वैक्सीनेशन नहीं देते, तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। लगभग 2:15 बज चुके हैं दोपहर के। फाइनली व्लॉग एडिट कर चुका हूँ मैं, 17 मिनट का व्लॉग बना है पिछले 2-3 दिन की फुटेज मिला के। अब नीचे जा रहा हूँ, खाने की तैयारी हो चुकी है और ड्रायर हमारा डिलीवर हो गया है। एक हमने साउंड सिस्टम भी मंगवाया था अपने टीवी के लिए, वो भी आज डिलीवर हो जाएगा, तो उसकी अनपैकिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरे को टेक्निकल चीज़ें अनपैक करने में बड़ा मज़ा आता है। चलते हैं फिलहाल नीचे। हम लोग अभी जा रहे हैं सामान वामान शॉपिंग, कुछ दिव्या के पार्सल ड्रॉप करने। विंटेड का आईडी मांग रहे थे मुझसे कुछ लोग, बट वो यार सिर्फ यूके में चलेगा, कमेंट में डाल देंगे। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है चांद। इतनी सारी ग्रोसरी आ चुकी हैं क्योंकि एक दो दिन में भैया भाभी आने वाले हैं और चाची जी आने वाली हैं, तो शॉपिंग हो चुकी है, खाने पीने की तैयारी हो रही है। नॉर्मल स्पीड पे मैं ले रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है, बादल उड़े जा रहे हैं। मैं बना रही हूँ कॉर्न स्पिनच एंड चिकन केसडियास। बेसिकली एक चपाती टाइप के अंदर ये डाल के और थोड़ी सी सॉस डाल के फिलिंग के साथ मैं उसका टोटिया रैप्स बनाऊँगी। ये दो ऐसे टोटियाज हैं, वीट रैप्स हैं, इसके अंदर मैंने ये फिलिंग भरी है और अब इसको मैं अच्छे से क्रिस्प कर रही हूँ। पापा एंड मम्मा एंड कीचू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल भी 2 बजे देने वाला था। दिव्या अभी अभी वापस आई है अपने ड्राइविंग क्लास के, ड्राइविंग क्लास से 10:15 हो रहे हैं इस समय। कीचू महाराज अभी सोए हुए हैं, तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है, रात भर जागता रहा हूँ। कुछ दिनों में एग्ज़ाम आ जाएगा दिव्या का, एग्जाम की डेट थी। कॉफ़ी पी गए, आओ इधर आओ फ्रेम में। इतने दूर खड़े हम और ऐसा लग रहा है मतलब बहुत दूर है इस समय, कैमरा आप रियलाइज नहीं कर रहे, बट ये क्योंकि दूसरा लेंस है मेरे पास फिलहाल, तो इससे शूट कर रहे हैं। हाँ जी, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? Yeah, I miss driving. I know. इसको एक्चुअली में ड्राइविंग बहुत पसंद है और मुझे ड्राइविंग से मतलब सख्त नफरत है, क्योंकि जब मैं बॉम्बे में भी था तब मेरे पास आसपास लोग होते थे या तो फ्रेंड्स होते थे या फिर हम किसी को हायर करते थे ड्राइव करने के लिए। फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे जिनको ड्राइव करनी पसंद थी, उनमें से एक ये भी थी जिनको हाँ कि मैं चलाती हूँ। हमने साउंड बार ऑर्डर किया था अपने टीवी के लिए, होम थिएटर वाला, ये साउंड बार। इसको अनपैक कर रहा हूँ, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, रिसाइकलिंग सेंटर होता है हर काउंसिल का, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। जितने भी बेसिकली कार्डबोर्ड के बॉक्सेस है, थर्मोकोल है, टीवी के हो गए, जो भी हो गए, वो सब गैराज में रखे हैं और थोड़े थोड़े नीचे से गीले हो गए तो वो काम नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसा नहीं कि कहीं पर आपने फेंक दिया, तो मैंने उस जगह की अपॉइंटमेंट ली है। गाड़ी में मेरे को 15 मिनट का स्लॉट मिलेगा, सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस मेरे को फ्लैटन करके ऑर्गेनाइज करके लेके जाने हैं वहाँ पे रिसाइकिल के लिए। इट्स फॉर म्यूजिक, यस कीचू। अब हम साउंड बार पे सुनेंगे बेबी शार्क से दूर। Fine with that? Can you say yes? Otherwise, he'll be very worried. Yes. Okay.
Now you come to the UK. To my new house. To the new house. Are you feeling better? Yeah. बोल तो रहा है बैठे पर बुखार और खांसी चल रहा है उसको. अभी ठीक हो गया था बीच में, पहले शुरू हुआ इससे, उस बार मेरे को हुआ, उस बार मैं ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गया, अब इससे हो गया इसको, दो तीन दिन के गैप में. तो ये हैं वो सारी चीज़ें जो हमें लगता था कि हमारे काम आएंगी, लेकिन हमें पता है कि हमने पिछले 2 साल से इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दीज थिंग्स. सारे गत्ते डल चुके हैं गाड़ी में, 1 घंटा उसमें लग गया. मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट में मैं अनलोड कैसे करूँगा सारा, 15 मिनट का स्लॉट होता है सिर्फ. मैं दिव्या को बोल रहा हूँ तुम लोग भी चलो, इनिशियली प्लान था सिर्फ मैं जाऊँगा. फिलहाल खाने की तैयारी हो गई, बन रहे हैं हॉट डॉग्स, वो खा के फिर जाते हैं. ऐसे वर्कआउट हो गया ना तो भूख लग गई एकदम तेज. हाय अब इतनी हवा चल रही है बाहर, मतलब इरिटेट हो जाए बंदा. मतलब मैं लिटरली ऐसा ऐसा हो गया था बाहर. अभी पता तेरे को ब्लिपी डांस कर रहा था मैंने ऐसे. सही चीज है ये. आप देख सकते हो पूरी गाड़ी भरी हुई है. क्या कह रही है दिव्या, कोई फेंक के आना है? ऐसा क्यों फेंक के आने वाले हो? मैं पूछ नहीं नहीं पहुंच गए हम. आप देख सकते हो बड़े बड़े हर चीज़ की इसमें वो लिखी हुई है इस सेंटर पे क्या क्या रिसाइकल होता है. कार्डबोर्ड, बैटरीज, पेपर, मिक्स्ड टेक्सटाइल क्लोथ्स. हर चीज़ का अलग. यहाँ पे वार्डरोब एंड क्लोथिंग है. यहाँ पे कांच की बॉटल्स है इसके अंदर. ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्क्रीन रीन्स आप देख सकते हो. क्लीनिंग प्रोसेस चालू है फुल स्विंग में. थक गए सुबह से, वो गत्ते इतने मुश्किल हो जाते हैं सारे खोल खोल के, बड़ा टायरिंग हो जाता है. लेबर था थोड़ा सा अभी भी काफ़ी बिखरा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट वो गाड़ी भर के जितना भी सामान था वो हम रिसाइकलिंग स्टेशन पर डाला है. अभी घर आए हैं, डिश मैंने सारे बर्तन अभी डिशवाशर में डाले हैं. दिव्या गैराज थोड़ा सेटअप करी थी, अभी वो ऊपर ले गए कीचू को सुलाने के लिए. तबीयत थोड़ी सी डाउन है. उसके बाद विल रिज्यूम क्लीनिंग इन हाफ एन आवर, थोड़ा एक ब्रेक लेके. अगर आप सोच रहे हो कि अर्जुन पागल हो गया क्या कर रहे हैं सुबह से सफाई में लगा हुआ, तो आप सही सोच रहे हो. मुझे भी ऐसी ही वाइब आ रही है खुद से. ओके भैया. हाँ जी कल की तैयारी. हाँ जी. क्या बन रहा है? दाल मखनी सबसे पहले, उसके बाद बटर चिकन. बटर चिकन कीचू का रूम रेडी हो चुका है. फाइनली ऑल सेट. ये कपड़े तो सूख रहे हैं, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर कीचू का रूम सेट हो गया. कीचू इज आल्सो हेल्पिंग पापा. What are you doing? What? Helping Papa. So that Papa can get free early and save with him. Okay. Let go, baby.
1:15 हो गए, इनफैक्ट 1 बज ही गए ऑलमोस्ट। बंदा सो ही नहीं रहा है और ना मुझे काम करने दे रहा किचन में। रात के बजे ऐसे में डेढ़ मैंने तैयार कर दिया आपके लिए, कुकर साफ करने के लिए। मेरे लिए तैयार किया ना? अभी दाल का तड़का बना रही है। दाल को ना जितना काढ़ूंगी उतना अच्छा बनेगी, तो मैं उसको अभी तैयार करना चाहती हूँ ताकि वो रखे रखे सुबह तक। यहाँ हो रही है बटर चिकन की तैयारी। रात के हो गए हैं अराउंड 1:15-2:30, बट मेरे साथ ये कि अगर मैं दोपहर को 1 घंटा भी सो जाऊँ तो मैं रात को आराम से खींच लेती एंड सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आज मुझे शाम को मौका मिला 1 घंटे अपनी आँख बंद करके सोने का, थैंक्स टू अर्जुना। तो अब कुकिंग मैं सोचो अभी निपटा दूँ ताकि कल आराम से चिल करें बैठे। सुबह नहा धो के फ्रेश होके आई थिंक दोपहर तक आ जाएंगे सब। आर्यन को भी बोला मैंने आने को, तो विल कम अराउंड 5:36। उठा हूँ पिछले 1.5 घंटे से मैं, कीचू अभी सोया हुआ है ना, जब तक वो उठेगा तब तक सब हो जाएगा। खाना आई थिंक सुबह 3:30 बजे तक बना रही थी दिव्या। मैं रेडी हो चुका हूँ एकदम, और अभी 1.5 घंटे बाद मैंने कैमरा उठाया। रात को करके सोए थे तो अब बस बाकी का काम करना है। और भैया भाभी थोड़े लेट आएंगे अराउंड 2 बजे, बट कोई नहीं, मुझे टाइम चाहिए। सुबह सुबह मैं रिसाइकलिंग सेंटर से होके आ रहा हूँ। अब आ चुका हूँ कुछ सामान लेने के लिए। दही वही ख़त्म हो गई थी। पीछे आप देख सकते हो बहुत सुंदर चर्च है। मैंने ये पहली बार देखा है चर्च इस इलाके में, मतलब दूर से दिखता होगा लेकिन सामने से पहली बार देखा है। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रंजविक दही लेने के लिए, उसके बाद जाना है अभी गौरव के घर, उनसे एयर बेड लेना है क्योंकि भैया भाभी आज आ रहे हैं तो हो सकता है रुकने का प्लान बन जाए, और शायद शाम को आर्यन भी आ रहा है तो फिर बहुत लोगों के सोने का अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा, तो एयर बेड ले लेंगे अभी गौरव से। फिलहाल मैं पैदल जा रहा हूँ ब्रंजविक, मेरी गाड़ी दूसरी जगह खड़ी है, वहाँ मैंने सैंडविच का ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम मिलेगा नहीं दिव्या को, तो सैंडविचेज ऑर्डर कर दिए थे मैंने। मैं आ गया हूँ अभी गौरव के घर एयर बेड लेने के लिए। एयर बेड ले लिया भाई से हमने, फटाफट किचन समेट लेता हूँ। I'm not making it, I'm just supervising. It's butter chicken for Abir bhaiya. Yeah. He's coming. फाइनली सारे काम निपटा के मैं वापस आ चुका हूँ। दिव्य ने अभी भी बताया कि भैया भाभी थोड़ा और लेट आएंगे क्योंकि वो थोड़ा लेट निकले और ट्रैफिक बहुत है रास्ते में, तो मैंने सोचा फिर अब टाइम है तो मैं एक व्लॉग एडिट कर देता हूँ फटाफट।